तो दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को एक महीना होने को है। दिल्ली में जारी कड़ाके की ठंड के बीच भी हजारों किसान सीमाओं पर डटे हुए हैं और अपनी मांग पूरी करने को कह रहे हैं। सरकार किसानों से चर्चा करना चाह रही है, लेकिन अब किसानों की ओर से अपने आंदोलन को धार दी जा रही है ताकि लड़ाई लंबी चल सके। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी से बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा ने किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। जनतंत्र में आप अपनी आवाज उठाने के लिए, अहिंसक आवाज उठाने के लिए आप धरने पर बैठते हैं, उपवास करते हैं, सरकार की दी हुई जो आपको अवार्ड है उसकी वापसी करते का सरकार नहीं मानता। ये सारे तौर तरीके हैं और किसान सारे तौर तरीके कर चुका, और हम सब लोग उनके जब उन्होंने आह्वान किया कि शाम में उपवास हो तो आम आदमी पार्टी पूरे देश में किसान के आह्वान के साथ रहे, हम लोग भी उनके साथ एक दिन के उपवास पे रहे। बहुत सारे साथी हमारे किसान के साथ धरने पर, हमारे विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। अब नौबत ये आ गई, आपने सुना कि एक संत को ये दर्द नहीं देखा गया, उन्होंने अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस किया और उन्होंने आत्महत्या तक कर ली। उन्होंने लिखा अपने सुसाइड नोट में कि अब हमें किसानों की ये दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा, किसान सारे तरीके अपना लिए पर सरकार पता नहीं इस बात को मान क्यों नहीं रही है। तो मुझे ये लगता है कि वो सारे तरीके जो किसान कर रहे हैं उनके साथ हम सब लोग मजबूती से खड़े हैं। और मैं फिर कहता हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपसे गलती हुई और आप कह भी रहे हैं लगातार किसानों के वार्ता में कह रहे हैं कि हाँ बिल में कुछ कमियाँ हैं, फिर अहंकार ना रखिए, इस बिल को वापस लीजिए और किसान को किसानी करने दीजिए, खेती करने दीजिए। किसान खेती करेगा तभी इस देश के लोगों को अन्न मिलेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।